हौसला अल्लाह देता है। अरे स्टेज में खुसूसी तवज्जो का तालिब हो, इरादा नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। और अगर इंसान को दौलत मुयस्सर हो कनात की, अगर इंसान को दौलत मुयस्सर हो कनात की, तो गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है, तो गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है। एक बार पूरा मजमा फिर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आइए हजरात, अब मैं बड़ी तेजी के साथ और बड़े ही अदब एहतराम के साथ मुल्क हिंदुस्तान की बहुत ही बाकमाल आवाज शेर व अदब के उफुक पर आफ्ताब बनकर चमकने वाला लहजा लोगों के कायनात में, लोगों के दिलों की कायनात में राज करने वाला लहजा, दारुल देवबंद के फैज से फैजयाब होने वाली आवाज, जिसे दुनिया हजरत अरमान कमर के नाम से जानती है। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से आज के इस महफिल को बावकार बनाएं। इस शेर के साथ आपका इस्तकबाल है कि पै करे दिल रुबा बन के आया, बोलिए सुभान अल्लाह। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ और समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, हजरत आमना का दुलारा, वो हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हम सब अभी भी सुभान अल्लाह बोल दीजिए। वाकई बहुत अच्छा शेर था, इस शेर की कदर आप नहीं कर पाए। अंसार मीडिया टीवी मौजूद है, आप इसका ख्याल कीजिए, पूरी दुनिया आपका प्रोग्राम देखेगा, इसका ख्याल कीजिए। और जोरदार अंदाज में पहली बार झिलवा पुरवारी में तशरीफ लाए हैं जनाब अरमान कमर साहब, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इनका इस्तकबाल कीजिए। आइए बिना किसी तनहीद के मैं नाते रसूल के खूबसूरत मतले तक पहुंचूं और ये नतीबे सीमांचल की दुआ लेते हुए आप तक मतले का शेर हाजिर करूं, लेकिन उनसे कबल एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। एक बात आपको ये भी बता देते हैं कि आप यहाँ होंगे लेकिन आपका तज़किरा मदीने में होगा। इख़लास-ए-बिल्लाहियत के साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अला मुमिनीना व मुस्लिमात व अला मुस्लिमीना व मुस्लिमात। नबी की नात लिखता हूँ, अरे वाह बहुत अच्छा माशाल्लाह, नबी की नात लिखता हूँ, मुझे हल्के में बहुत बहुत शुक्रिया। नबी की नात लिखता हूँ, मुझे हल्के में मतलब, बहुत मतलब बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। नबी की नात लिखता हूँ, मुझे हल्के में मत लेना, नबी की नात लिखता हूँ, मुझे वाह वाह बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छा मतलब है भाई, बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बहुत शुक्रिया। नबी की नात लिखता हूँ, मुझे हल्के में मत लेना, अरे नबी मुझे हल्के में बहुत बहुत जिंदाबाद। एक बार कहिए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेरा नाम नकीब सीमांचल हजरत मौलाना जावेद साहब, ये सही से सुन नहीं पाए और सही से बोल नहीं पाए। असल में मेरा नाम अमानुल्लाह कमर सानी, सानी मेरा तखल्लुस है, मैं अपने कलाम में अपने शेर में सानी लगाता हूँ। देखिएगा अपना मक्ता आपकी अदालत में पेश करता हूँ, शेर देखेंगे। नबी की बात पढ़ता हूँ मुझे हल्के में मत लेना, नबी की नात लिखता हूँ अरे नवासे ने कटा डाला है सानी सर को सजदे में। बहुत अच्छा लगता है भाई, जज़ाकअल्लाह। नवासे ने कटा डाला है सानी सर को सजदे में, मुझे हल्के में बहुत खूब जिंदाबाद बहुत शुक्रिया बहुत खूब जिंदाबाद नवासे रसूल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप उनके शहदा हैं? जी जी आप उनके शहर एक बार हाथ उठाकर बताइए। सब उनके शायद हैं, बहुत शुक्रिया। मक्ते को फिर आप समाप्त फरमाए और देखेंगे नाजिम साहब। जी फरमाए इंशाअल्लाह। ये जज्बा अपने अंदर भी होना चाहिए कि हम भी अगर ऐसी नौबत आए तो अपने सर को कटा सकें। ये जज्बा नवासे ने कटा डाला है सानी सर को सजदे में, नवासे ने कटा सानी सर को सजदे में, नवासे ने कटा डाला सानी सर को सजदे में, सानी सर को सजदे में। ये जज्बा मैं भी रखता हूँ मुझे हल्के बहुत शुक्रिया अल्लाह का बहुत शुक्रिया। ये जज्बा मैं भी रखता हूँ मुझे हल्के मत लेना। आइए ये अल्लाह के रसूल की मजलिस है, आइए नाते रसूल का खूबसूरत मतला और आपकी खूबसूरत समातों के हवाले। अभी अभी दो दिन कबल में ये नाते रसूल लिखा हूँ और शेर भी क्या शेर देखेंगे मतले का शेर। जी जी अंसार भाई आप इन लोगों को दिखाइए कितना अच्छा सुनते हैं। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, अभी ये कैमरा घुमाए खाली जगह अच्छा नहीं लगता है, तो आगे आने की कोशिश कीजिए आप लोग, और वहाँ खड़े रहने से बेहतर है कि आप आगे बैठ जाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत उम्दा नाते रसूल से आप मुस्तफीज होंगे, बहुत अच्छा कलाम सुना रहे हैं। आप तमाम हजरात हौसला अफजाई कीजिए।